हाई एवरी वन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टू थिंग्स। पहली तो ये कि डेफिनेशंस क्या होती है रिसर्च की, और दूसरा ये कि जो रिसर्च है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखो, रिसर्च की दो डेफिनेशंस हैं। एक तो एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश है, उन्होंने कहा है कि भाई रिसर्च जो है वो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है रेडमिन मौर्य की, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये एक सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट है न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए। तो ये तो हो गई दो डेफिनेशंस, तो इधर दोनों डेफिनेशंस आप लर्न कर लीजिएगा। एंड सेकंड जो टॉपिक हमारा है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। तो बेसिकली आप ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम, हमारा गोल, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नए नए फैक्ट्स को फाइंड आउट करना है, हमें कुछ नया डिस्कवर करना है। तो ये तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम दो टाइप में डिवाइड होती है, एक तो साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप फाइंड आउट करते हो, तो ये एक पॉइंट अलग हो जाता है। और दूसरा पॉइंट कि आप एवरीडे टुडे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, तो ये एक पॉइंट अलग हो जाता है। इसके बाद चीज़ों को एनालाइज करना, ये भी एक पॉइंट है। और नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना, नए नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना, उनको एनालाइज करना, उन फैक्ट्स को वेरीफाई करना, उनसे फैमिलियर होना, ये एक डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, कि आप जो फैक्ट्स आपने डिस्कवर कर लिए उन फैक्ट्स को वेरीफाई कर रहे हो, उन फैक्ट्स के साथ फैमिलियर हो रहे हो, तो ये एक अलग ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने साइंटिफिक टूल को जैसे डेवलप करना है, और आपने रिव्यू करना है, सिंथेसाइज करना है एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर ली है या जो नॉलेज आपके पास पहले से ही है उस टॉपिक को लेकर के, उसको आप रिव्यू और सिंथेसाइज करते हो। तो ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स हैं, थोड़े से ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स को कवर करने की, कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्योंकि टाइप्स काफ़ी सारे होते हैं रिसर्च के। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे।